सो वेलकम बैक वेनम आर्मी। आज का यार ये सीन है कि हम लोग आए हैं KTM शोरूम देहरादून में, जो कि है राजपुर रोड पे। एंड यार आज जो है बहुत ही पॉपुलर एंड फेमस बाइक के लिए डिस्कशन होने वाला है। डिस्कशन भी किया मैं आपको स्पेसिफिकेशंस और इसके फीचर्स और इसका मेनली प्राइस जो है वो बताने वाला हूँ। तो यार ये है वो बाइक जो बहुत ही फेमस रही है आजकल इंडियन मार्केट में, KTM ड्यूक 390 एडवेंचर। तो यार इसके स्पेसिफिकेशंस मेरे पास का ब्राउशर पड़ा हुआ है एंड मैं आपको कुछ कुछ स्पेसिफिकेशंस भी इसके बता देता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड मोस्टली यूट्यूबर्स नहीं दिखा पा रहे हैं, तो वो सब बता देता हूँ मैं। एंड सबसे पहले तो यार मेरे को इसका आपको लुक दे देता हूँ, पूरा ओवरऑल लुक। स्टार्टिंग्स में तो LED आपको LED लाइट्स मिल जाती हैं, जो 390 एडवेंचर का आगे का फेस है। बहुत ही पहले तो ब्रॉड है यार, बहुत ही ब्रॉड है। एंड अगर आप दूर से बाइक को देखोगे यार बहुत ही ह्यूज लगती है बाइक, दूर से अगर रोड पे चल रही होगी पता चल जाता है। ये रहा 390 ड्यूक का एग्जॉस्ट। एंड इसके अंदर यार BS6 का लाने का ये मतलब था कि मोस्टली BS6 में जो दो कैटलेटिक कन्वर्टर्स इसके अंदर लगाए गए हैं, जिसका मतलब है कि आवाज़ हल्की सी कम हो जाएगी। जैसे कि BS6 नॉर्म्स जो आए थे उसमें आपको बताया गया था कि पोल्यूशन कम करना है चाहे आप कुछ भी बाइक में चेंजेस करो, तो मोस्टली BS6 में चेंजेस करने के लिए इन्होंने दो कैटलेटिक कन्वर्टर्स लगाए हैं, जिससे आवाज़ थोड़ी कम होगी और पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि पहला इसका प्राइस। तो यार इसका जो प्राइस है वो है 3,50,000 ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ, आई रिपीट गाइस, ऑन रोड प्राइस है इसका 3,50,000। अब कुछ और फीचर्स बताने से पहले यार लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, क्योंकि एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाती है हमारी। तो मेन फीचर्स और कुछ है, जैसे कि इसके अंदर क्विक शिफ्टर भी दिया जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो हमारे पास क्विक शिफ्टर भी दिया जा रहा है इसके अंदर। एंड ये फर्स्ट इन क्लास विद MTC, दैट इज़ मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल भी इसके अंदर दिया जाता है। एंड इन ओनली 3,50,000 यू आर गेटिंग दिस बीस्ट। करते हैं ये है इसकी LED लाइट्स एंड ये इंडिकेटर्स ऑलरेडी आते थे इसके अंदर। एंड सबसे पहला तो यार ये है 373, जो कि आप 390 cc हम कह सकते हैं उसको। तो पहले जो इसका टॉर्क है वो बता दूँ, 37 Nm है 7,000 RPM पे। तो यार पहले अगर आपको देखना है, मैं आप स्टेबल रख लेता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं इसमें। तो इसके अंदर यार आपको ऑलरेडी ABS भी दिया जाता है, डुअल चैनल ABS इसके अंदर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है आपका। एंड सबसे खासियत यार इसकी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि इसका जो ABS है वो आप चलते चलते यार ABS कंट्रोल कर सकते हो, ABS चल चलते ऑन कर सकते हो एंड चलते चलते ऑफ भी कर सकते हो। तो इसके अंदर यार हमारे पास मिल जाता है ट्रैक्शन कंट्रोल। तो एक तो ट्रैक्शन कंट्रोल हमारे पास मिल रही है, हमारे पास डिफरेंट मोड्स है जो ऑलरेडी 390 मिलते हैं, और ये हमारा पासर है यहाँ पर। तो ये कुछ हमारे पास डिफरेंट चीज़ें इसमें हल्की फुल्की दी गई हैं। एंड जो ये वाला पार्ट है ये हमारे पास एडजस्टेबल है, एडजस्टेबल लिवर्स एंड एडजस्टेबल ब्रेक्स यहाँ पर हमारा दिया जाता है। एंड इसके अंदर जो मेन सबसे खास फीचर है वो आता है यार इसका जो डिजिटल मीटर है। तो यार जो डिजिटल मीटर है वो आप लोग अगर आपके पास हेलमेट में इंटरकॉम वगैरह है या फ़ोन के साथ भी कनेक्ट हो जाता है, ये इसके अंदर ब्लूटूथ से आप कनेक्ट कर सकते हो यार अपने फ़ोन को या इंटरकॉम को। जैसे कि मान के चलो आपको लॉन्ग राइड पे जाना है, तो लॉन्ग राइड के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहता है। एंड बहुत लोग जो सवाल पूछते हैं एक चीज़ का कि यार इंजन तो इसके अंदर 390 का ही है, तो डिफरेंस क्या है? जो मेन डिफरेंस आता है वो 390 में ये है कि जो 390 नॉर्मल 390 बहुत ही एग्रेसिव रहती है, एंड ये जो ड्यूक एडवेंचर 390 है दैट इज़ नॉट टू मच एग्रेसिव। एंड ये मोस्टली बनी ही ऑफ रोडिंग करने के लिए है, अलग ही लेवल इसके अंदर परफॉर्मेंस का हमें मिल रहा है। एंड जो टायर्स है यार, पहले टायर्स बताता हूँ, टायर्स इसके अंदर जो है मेटजलर के दिए जा रहे हैं हमारे पास। एंड पीछे की लाइट भी एक बार देख लो, और हमारे पास कॉर्नरिंग ABS भी दिया जा रहा है इसके अंदर यार, दैट इज़ ऑल्सो इम्प्रेसिव। सो अभी यार इसका मैं टेस्ट ड्राइव लेके आपको दिखाता हूँ दैट हाउ इट फील्स। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड देखते हैं कि कैसा फील होता है। एंड की हाइट मैं आपको पहले हाइट बताता हूँ, जो लोग थोड़ा 5'7" या 5'8" है उनके लिए भी अनकम्फर्टेबल हो सकता है, 5'9" या 6 के लिए, 5'9" 5'10 उनके लिए ईजी है, 5'8" के ऊपर वालों के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, 5'8" के नीचे वालों के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है हाइट में। सो राइट नाउ गाइज आई एम रेडी फॉर टेस्ट राइड। तो यार टेस्ट राइड करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि अगर लाइक से सब्सक्राइब करते रहोगे हमें हौसला मिलता रहेगा नई नई वीडियोस बनाने का। तो ये है यार KTM ड्यूक 390 ड्यूक एडवेंचर।
जो मैं KTM Duke 390 Duke Adventure जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यार अभी टेस्ट ड्राइव करके देखते हैं कि क्या क्या सीन है इसका एंड कितनी पावर है। तो पहले एग्जॉस्ट आपको मैं, ये रहा इसका स्पीडोमीटर। तो अभी इसके ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ है क्योंकि टेस्ट राइड व्हीकल है। तो ये था इसका स्पीडोमीटर, अगर आपको क्लियरली विजिबल है तो आप देख लो यार। तो ये था स्पीडोमीटर इसका। एंड अभी एग्जॉस्ट की आवाज़ सुना देता हूँ आपको इसकी। सो दिस वॉज द एग्जॉस्ट साउंड। एंड सबसे खास चीज़ है इसकी यार, बहुत ही ब्रॉड बाइक है। अगर आप दूर से देखोगे तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड लगती है ये। एंड आपको दूर से इसका यार कूलेंट दूर से दिख जाता है इसका। एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। हाँ जी भैया, सो विल गो फॉर अ शॉर्ट स्पिन। राइट लेना है, तो तभी स्पीड का नहीं दिख रहा होगा। दिखाएगा तो यार अभी का यार ये सीन है कि इस बाइक में अभी ECU एरर वगैरह इसलिए आ रहा है और स्पीडोमीटर कनेक्टेड नहीं है, तभी आपको पूरा ज़ीरो दिख रहा होगा। तो यार इसको चलाने के बाद यार ऐसा फील होता है कि यार तुम किसी हाथी के ऊपर बैठे हो, पहला फील तो ये आ रहा है। एंड दूसरा फील यार ये है कि मैं अभी फर्स्ट या सेकंड गियर पे होऊंगा एंड अभी से मुझे पावर का एहसास होने लग गया है इसमें। एंड दूसरी चीज़ जो है इसके अंदर रिएक्शंस का, हल्के फुल्के रिएक्शंस तो अभी से मिल रहे हैं। अगर आप ऐसे स्ट्रीट पर जाओगे तो ऑफ कोर्स अच्छे खासे रिएक्शंस आपको मिलेंगे ही। एंड अभी स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से यार ऐसा फील आ रहा है कि यार मतलब तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि तुमने स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से यार गुजरा है। यार ऐसा बिल्कुल भी अलग लेवल का एक्सपीरियंस आ रहा है हमारे पास। राइट यहाँ से, ओके। एंड जिन लोगों की हाइट यार 5'8" या 5'7" है उनके लिए थोड़ा बहुत अनकम्फर्टेबल हो सकता है, बट आई एम 6 तो मेरे लिए बिल्कुल भी अनकम्फर्टेबल नहीं है। मेरे फुट आराम से पहुँच रहे ग्राउंड तक एंड इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा खासा है, कोई अभी तक दिक्कत तो मुझे आई नहीं है इस चीज़ में। एंड अभी के लिए मेरे पास यार इसका फुल थ्रॉटल खींचने का यहाँ पे रोड वैसा है नहीं कि फुल थ्रॉटल खींच सके। तो अगर कभी आगे इन फ्यूचर कुछ महीनों के में ही मेरे को अगर मौका मिलता है इसको फुल थ्रॉटल खींचने का कहीं पे स्ट्रेट रोड पर, तो यार उसकी भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। एंड सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को इसकी यार ये लगी कि यार ये ट्रैफिक में बहुत इजीली स्लाइडिंग हो सकती है, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी अगर आपको ट्रैफिक में लेनी है कहीं। पहाड़ पे तो बनी ही उसी के लिए, पहाड़ पे लेने के लिए बनी ही है।
सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट के टी एम ड्यूक 390 एडवेंचर। एंड यार अभी मैं बिल्कुल चला के ही आया हूँ, एज आप लोगों ने देखा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब आई हैव रिडन मोस्टली 650 सीसीज एडवेंचर। मैं अभी तक कावासाकी की 1000 सीसीज में भी एडवेंचर बाइक्स ट्राई कर चुका हूँ, एंड मुझे 390 भी बहुत अलग लेवल की लग रही है। मतलब उनकी कंपैरेटिवली वो 1000 सीसी उनमें तो ऑफकोर्स ज़्यादा पावर रहेगी, बट आपको इतने कम स्केल में, मतलब इतने कम प्राइस में इतनी अफोर्डेबल गाड़ी मिल रही है जो कि पावर के साथ मिल रही है आपको। सबसे पहली चीज़ आपको जो प्राइस है 350 मिल रहा है इसका प्राइस, एंड जो पावर है वो ड्यूक 390 का ही मिल रहा है आपको। तो वो सबसे बड़ी खास बात है, इसके लिए कोई पावर डिक्रीज नहीं हुआ है। क्योंकि यार अगर आपको एडवेंचर बाइक बनानी है तो मोस्टली बाइक्स क्या करते हैं बाइक्स के अंदर कि पावर डिक्रीज हो जाती है, बट इसके अंदर वैसा सीन नहीं है। एंड जो आगे की लाइट्स तो बता चुका ऑलरेडी कितनी प्यारी लाइट्स है इसकी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना यार। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार। Me, but these feels they come and go.